brought to you by Glimpsy. Win up to rupees 5 crores every day. Download the app now. Gujarat Titans, ये वो टीम है जिसे ऑक्शन के बाद ऑलमोस्ट सब ने रिजेक्ट कर दिया था। हार्दिक पंड्या की कप्तानी से लेकर आशीष नेहरा की कोचिंग तक पर कई सवाल थे, लेकिन इन तमाम रिजेक्शन और सवालों को परे ढकेल हार्दिक की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। लखनऊ को हराकर प्लेऑफ में एंट्री करने के बाद हार्दिक ने अपनी टीम पर गर्व जाहिर करते हुए कहा, लड़कों पर सच में गर्व है। जब हमने एक साथ ये सफर शुरू किया था, जाहिर तौर पर हमने खुद पर भरोसा जताया था, लेकिन 14वें गेम से पहले क्वालिफाई करना एक महान प्रयास है और हम सच में गर्व से भरे हैं। पिछले गेम में जाने से पहले मैंने लड़कों से बात की थी। मैं सोचता हूं कि वो गेम खत्म होने से पहले ही हमारे दिमाग में खत्म हो गया था। वो एक सीख थी जिसे हम लेकर आगे बढ़े। मैं सोचता हूं कि हमने जो भी गेम जीते, हम हमेशा ही अंडर प्रेशर रहे। पिछला ही गेम ऐसा था जिसमें हम आगे चल रहे थे, हमें पता था कि हमारे पास कैसे बैटर्स हैं और हम गेम खत्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बता दें कि लखनऊ के खिलाफ हुए इस मैच से पहले गुजरात को मुंबई ने 5 रन से हराया था। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए हार्दिक बोले, बाद में यह चर्चा का विषय रहा। यहां तक कि इस गेम में भी जब लखनऊ के 8 विकेट गिर चुके थे तो मैंने कहा, निर्दयी बनते हैं, ये गेम खूबसूरत है, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन ये पक्का करेंगे कि हम गेम फिनिश करेंगे। अगर वो लोग पिछड़े हैं तो उन्हें पीछे ही रखेंगे। मैच खत्म कीजिए और फिर गेम के बाद ही आराम कीजिए। अपने बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए हार्दिक ने कहा, जिस तरह से लोगों ने बैटिंग की, खासतौर से शुभमन गिल ने, मुझे लगा कि 144 बनाकर भी हम गेम में थे। मेरे हिसाब से उनकी बॉलिंग थोड़ी ज्यादा शॉर्ट थी, थोड़ी फुल लेंथ काम कर रही थी, इसलिए ग्रुप में इसकी भी चर्चा हुई। बॉलर्स ने वो सब कुछ किया जिनकी उनसे उम्मीद थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आप वैसे हारते हैं जैसे हम पिछले मैच में हारे थे, तो एक ग्रुप के रूप में यह भरोसा करना जरूरी है कि आप एक टीम के तौर पर मैच जीतते और हारते हैं। हमने वो नहीं किया जिसकी हमसे उम्मीद थी और हमें पता था कि हमने गड़बड़ कर दी, लेकिन ये गड़बड़ एक टीम के तौर पर हुई। हम जब एक टीम के तौर पर कहते हैं कि हम जीते, तो हम पक्का करेंगे कि अगर हम हारे तो हम कहें हम हारे, ना कि ये आदमी वो आदमी। हमने अपनी हंसी भी बरकरार रखी, ये पक्का करना जरूरी है कि वाइब हमेशा बरकरार रहे। लखनऊ के खिलाफ गुजरात के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। गुजरात ने 20 ओवर्स में 4 विकेट खोकर 144 रन बनाए। टीम के लिए शुभमन गिल ने 49 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली, जबकि लखनऊ के लिए आवेश खान ने 2 विकेट निकाले। जवाब में लखनऊ की पूरी टीम 82 रन पर सिमट गई। टीम के लिए दीपक हुडा ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए, जबकि गुजरात के लिए राशिद खान ने 4 और यश दयाल तथा आर साई किशोर ने 2-2 विकेट निकाले। और अब बात करते हैं गेमजी की। इस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दिया है। गेमजी पर आपके पास मौका है 5 करोड़ तक के इनाम जीतने का। इस ऐप पर आप लाइव मैच में भी टीम बदल सकते हैं और पहले डिपॉजिट पे आपको मिलेगा 100 रुपए का कैशबैक भी। साथ ही साथ अब निवेश करना हुआ और भी आसान। 5paisa ऐप से 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट बनाए। यह ऐप आपको देता है रिसर्च टूल्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइस, 0% ब्रोकरेज और 20 रुपीज पर ट्रेड पर। इस ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और दी ललन टॉप यूजर्स को IPL 200 के कोड पे मिलेगा 200 का कैशबैक। तो अगर ऑलरेडी नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करें। ये खबर आपके लिए लिखी है सूरज ने। ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।